हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आप सभी को एक साड़ी प्रदर्शित कर रहे हैं जिसके द्वारा हम 2 वर्ष और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यदि मूलधन दिया गया है और दर दिया गया है तो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, इस साड़ी में यदि दर 2% है तो 2 वर्ष के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो मूलधन में हम सीधे 4.04% से गुणा कर देंगे तो हमारा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। उसी तरीके से 3 वर्ष के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, मूलधन दिया गया है, दर दिया गया है और समय 3 वर्ष दिया गया है, तो हम सबसे पहले मूलधन में 6.12008% से गुणा कर देंगे तो हमारा मूलधन, ये चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। उसी तरीके से भिन्न भिन्न दरों पर समय 2 वर्ष और समय 3 वर्ष के लिए यदि मूलधन दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो इन संख्याओं से हम क्रमशः गुणा कर देंगे तो हमारा सवाल एक लाइन में हल हो जाएगा, जो कि बहुत ही इजी वे में हल होगा। अब ये कैसे आया, इसको हमने आप सभी को पिछले वीडियो में समझाया था, ये 4.04% कैसे आया है। तो 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए ये यहां पर हम जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे तो ये 2×10%, 2×10% धन 10% / 10 का होल स्क्वायर, इतना कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। 2 वर्ष का है तो 4 × 2^10 करेंगे तो इतना आ जाएगा। 3% है तो 3×2×3% धन 3/10 का स्क्वायर करके इतना परसेंट आ जाएगा। 4% है दर और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो हम मूलधन में इतने से गुणा कर देंगे, ये इस फार्मूले से निकाला गया है। उसी तरीके से ये जो निकाले गए हैं फार्मूले, इसके लिए हमने पिछले वीडियो में बताया है कि सबसे पहले दर में हम 100 जोड़ देंगे, ये 2 है तो 2 में 100 जोड़ देंगे, 2 × 100। अब ये जो संख्या आएगी उसका घात 3 करेंगे, 3 करेंगे तो ये हमारा स्वाभाविक है कि यहाँ पर इतना आएगा 1,6,1,2,0,8। अब यहाँ पर सबसे बाईं साइड में जो 1 है इसको हम हटा देंगे और सबसे दाहिनी तरफ से 4 अंक पर यहाँ दशमलव लगा देंगे, अर्थात ये हमारा हो जाएगा 6.12008%। ये सीधे डायरेक्ट हम मूलधन में गुणा कर देंगे, इस समय 3 वर्ष दिया गया है, दर 2% दिया गया है तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। तो ये फार्मूला 3 वर्ष के लिए होता है। क्या करते हैं कि दर में 100 जोड़ देते हैं, इसके बाद उसका घात 3 करते हैं, सबसे बाएं साइड में जो संख्या होती है उसको हम विलुप्त रिमूव कर देते हैं और दाहिने साइड से 4 अंक पर हम दशमलव लगा देते हैं, जो संख्या आती है ये सब आएंगी। उसी तरीके से अगर मान लीजिए 11% दिया गया है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो हम 111^3 करेंगे तो आएगा हमारा यहाँ पर 1 आएगा और ये आएगा, 1 रिमूव कर देंगे, अंतिम से 4 अंक पर दशमलव लगा देंगे, अर्थात ये संख्या हो जाएगी, तो इससे हम सीधे मूलधन में गुणा कर देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के लिए मालूम हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये सूची आपकी समझ में आई होगी, आप इसको याद किए रहेंगे तो प्रतियोगी परीक्षा में जितने समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछे उसको आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पर एक सवाल है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% वार्षिक दर से बढ़ रही है, इस समय जनसंख्या 50,000 हो तो 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमने एक सूची जो दिया है उसको, उसमें यहाँ पर इसको मूलधन के स्थान पर रखेंगे, समय 3 वर्ष है, दर 4% है, तो दर जब 4% रहती है, समय 3 वर्ष रहता है, तो हम इसमें 12.486 से सीधे गुणा कर देंगे तो हमारा 3 वर्ष बाद जनसंख्या मालूम हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, 3 वर्ष बाद जनसंख्या, 3 वर्ष बाद जनसंख्या, 3 वर्ष बाद यहाँ की जनसंख्या, जनसंख्या बराबर, हमने बताया कि 3 वर्ष हो, दर 4% हो, तो यहाँ पर 50,000 लिख देंगे
इसमें सीधे डायरेक्ट हम 4% रहने पर 12.4864% से जब गुणा कर देंगे तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर 50,000 हो गया गुणे, अब यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 12.4864/100, क्योंकि ये प्रतिशत में है इसलिए इसका बटा 100 कर देंगे। अब ये 2 0 2 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें हम 500 से गुणा करेंगे, तो सबसे पहले हम 5 से गुणा कर लेते हैं। 5 चौक 20 की 0, 5 6 30 2 32, 5 8 40, 40 3 43 हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 4 24, 5 2 10, 10 2 12, 5 1 5 1 6 हो जाएगा। अब यहाँ 2 0 और बढ़ा देंगे हम, क्योंकि यहाँ 500 है। अब उसके बाद हम यहाँ पर 4 अंक पर दशमलव है, 4 अंक पर दशमलव यहाँ लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारी जनसंख्या 3 वर्ष बाद मालूम हो गई। ये हमारा हो जाएगा 6,243। इतना 3 वर्ष में जनसंख्या बढ़ जाएगी, 6,243 जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो 3 वर्ष बाद कुल जनसंख्या 56,56,243 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3 वर्ष बाद कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, जनसंख्या इसमें 50,000 में जोड़ देंगे, 50,000 धन 6,243। तो ये हमारा हो जाएगा 56,56,243, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही इजी वे में आ जाएगा। अब यहाँ हमने उस वीडियो में बताया है कि ये इतना कैसे आया है। तो आशा करता हूँ कि ये सभी सवाल इस तरीके के जो भी पूछे जाएंगे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।